I will take the color replacement tool under the brush tool. Choose the color replacement tool. Okay. Then you can also choose the color from here. जो already यहाँ पे selected है foreground color. And you can also choose the color from an existing image. इस image में कोई ऐसा color है जो आपको use करना है fill करने के लिए. That you can choose by pressing the alt key. When you press the alt key, it will changes to a टूल. दिस इज आई ड्रॉपर टूल. इट इज टेकिंग द टूल. यहाँ पे देखो आपका फोरग्राउंड कलर देखो चेंज हो गया जहां मैंने क्लिक किया. सी हियर, मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ. नाउ कलर हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, नाउ दिस कलर कैन बी यूज टू फिल इट लाइक दिस. ठीक है, ये देखो आई कैन फिल इट. Now, जहां जहां प्लस साइन है वहां वहां कलर फिल होगा. डजंट मैटर कि सर्कल का साइज कितना है. क्यों पिंक कलर हो नहीं रहा? हाँ तो वहां पे बेटा उसके वो उसने अपने आप शेड्स ऑफ जो ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर है उसके अकॉर्डिंगली शेड्स लेने हैं ना. जो ऑलरेडी जहां फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली शेड्स लेने हैं. यू कैन जूम इट. ठीक है, क्लिक द एरियाज विच आर लेफ्ट. आप बीच में सेंटर में कहीं क्लिक कर सकते, जैसे एजेस रह गए हैं, इट विल नॉट गो आउटसाइड. ठीक है, क्या किया हमने? वी कैन पिक द कलर फ्रॉम एग्जिस्टिंग. हाउ? बाय प्रेसिंग द ऑल्ट की. इट विल चेंज टू एन आई ड्रॉपर टूल. पिक द कलर. सपोज अभी मैंने अगर ग्रीन कलर लिया. नाउ यू कैन सी फोरग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है. Now if I move it here, it will change it like this. ठीक है, clear है? Okay. Now we were doing the type tool. Type tool is simple है, जैसे आपको text लिखना है. To write text in an image, किसी भी image में text लिखना है. You want to write text, you will use the type tool. Click on the type tool. Now place your cursor. Click on the image where you want to write. Now it you will see in the layers panel there is a separate layer inserted for the text. Image अलग है, यानी अगर image को कोई effects देते हैं, कोई changes करते हैं, that will be separate. They will not have any effect on text. And text को जो भी effect देंगे, they will not have any effect on image. Text will be inserted in a separate layer. That is your next topic, dealing with the layers, handling layers. So here you are having the one example of layers. Whenever we open an image or place an image, I told you separate layers were there in the beginning. जब फोटोशॉप स्टार्ट करी थी मैंने आपको प्लेस करा था इमेजेस को, तो they were in the separate layers. Now similarly when we place the text, it will give you the separate layer. कुछ ऑप्शन आपके पास यहाँ ऊपर आ रही है ऑप्शन बार में रिलेटेड टू द टेक्स्ट, लाइक द फॉन्ट साइज. ठीक है, रेगुलर, बोल्ड, सेमी बोल्ड, बोल्ड कंडेंस्ड, फॉन्ट, which font you want to use. ठीक है, these are given. You can type the text. Okay, font size बड़ा करना है. You can choose selected, have the font size, alignment. ठीक है, you can move it. Use the move tool. You can move it anywhere by using the move tool. Place it anywhere. ठीक है, अगेन क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल सो दैट यू कैन हैव द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. हॉरिजॉन्टल टाइप यू कैन सेलेक्ट इट, देन यू कैन हैव द मोर टेक्स्ट ऑप्शंस. हियर कैरेक्टर ऑप्शन. ऑप्शन बार में आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं. यहां पर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं. चेंज द कलर, वट एवर कलर यू वॉन्ट टू हैव. Click on OK. Color is changed. Then there is a everyone look here. Now यहाँ पे देखो box italic, all caps, small caps, superscript, subscript options are there. Now size के अलावा यहाँ पर आपके पास vertical, horizontal spacing है, scaling है. कि कई बार ये होता है कि आप font size बड़ा करते हो, height और width दोनों change होती है.
फॉन्ट की हाइट और विड्थ दोनों चेंज होती है. नाउ आई वांट कि मेरी हाइट चेंज हो बट विड्थ चेंज ना हो. दैट इज कॉल्ड स्केलिंग. मुझे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्केलिंग करनी है टेक्स्ट. देन यू कैन हैव द कैरेक्टर स्पेसिंग. यहाँ पर देखो ये कैरेक्टर स्पेसिंग है बाय डिफॉल्ट जीरो. माइनस में जाएंगे कैरेक्टर स्पेसिंग रिड्यूस होती जाएगी, कंडेंस होते जाएंगे. पॉजिटिव में जाएंगे कैरेक्टर्स की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी. यू कैन गिव नंबर हेयर, टाइप कर सकते हैं नंबर और यू कैन ड्रैग इट फ्रॉम हेयर. प्लेस योर पॉइंटर. देखो पॉइंटर कहाँ रखा मैंने. नाउ यू कैन ड्रैग इट लाइक दिस राइट साइड और लेफ्ट साइड. इट विल गिव यू द नंबर्स. नाउ सी कैरेक्टर स्पेसिंग. नहीं कैरेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है. ठीक है. देन देयर इज अ स्केलिंग. दिस इज अ वर्टिकल स्केल. वर्टिकल स्केल 100% है. सपोज मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया यहाँ पे. इससे ज्यादा मुझे 72 पॉइंट से ज्यादा चाहिए. आई एम गोइंग टू टाइप हियर. सपोज मैंने ले लिया 150 पॉइंट्स. साइज हो गया. नाउ आई वांट स्केलिंग. स्केलिंग में मैंने दे दिया 120% कि जो ऑलरेडी फॉन्ट का साइज है इसमें अब हाइट बढ़ेगी वर्टिकली. हुआ? सपोज ओके आई एम गोइंग टू गिव इट नाउ 160%. ठीक है. विड्थ नहीं बढ़ रही है सिर्फ हाइट इंक्रीज हो रही है. दैट इज स्केलिंग. वर्टिकल स्केलिंग चेंज हो रही है. ठीक है. Then you can move it anywhere. You can place it anywhere. Character spacing reduce भी कर सकते हैं like this. Minus में जाओगे तो इस तरह से हो जाएगा. Depend करता है. Sometimes आपने कई बार logos देखे होंगे. Companies के logos होते हैं. कुछ alphabets एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर design किए होते हैं, है ना? तो वहाँ पे हमारी scaling जो character spacing है वो reduce की हुई है. ठीक है. कई बार capital letter, small letter एक दूसरे के साथ mix किए होते हैं. Sometimes in some logo design, कोई भी logo का design करना है, company का logo है, organization का logo है, we are using some alphabets in the logo and they can be designed like this. Clear? Tech type tool is clear. Now there is one more button in the type tool. I'm selecting this layer. आपके पास यहाँ पे एक word wrap option आती है. Suppose I'm typing something more. Have a nice day. Now you can say, यहाँ पर देखो एक तो आपके पास लेयर है और कार आ गई अलग से. इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे दैट विल बी डिफरेंट. ठीक है. इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे दैट विल बी डिफरेंट फॉर दिस. नाउ आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रैप टेक्स्ट. क्रिएटेड रैप टेक्स्ट. जैसे आपके पास वर्ड आर्ट की ऑप्शन होती थी, वर्ड आर्ट ट्रांसफॉर्म की जिसमें आप वेवी कर लेते थे. ठीक है. सिमिलर टू दैट कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे. वन इज नन. सेकंड इज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. यहाँ पे दो चीजें हमारे पास. आर्क. आर्क हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल चाहिए. लाइक दिस. हर इफेक्ट का दो चीजें हैं. कोई भी इफेक्ट चूज कर लो. बल्ज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. कुछ इफेक्ट्स आपके वर्टिकल में ज्यादा अच्छे आएंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल में. इन्फ्लेट इसका एक ही ऑप्शन है. देन फिश आई लाइक दिस. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. क्लियर. रैप टेक्स्ट ऑप्शन. बेंड कितना चाहिए. यू कैन एडजस्ट द बेंड ऑल्सो. हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन और वर्टिकल डिस्टॉर्शन. यू कैन प्ले विथ दीज टैब्स पॉइंट्स. शेप आपकी चेंज हो रही है. चेक करो ये देखो. कर्व चेंज हो रहा है. हॉरिजॉन्टली चेंज करना है, वर्टिकली चेंज करना है, बेंड कितना चाहिए, बेंड कितना चेंज करना है, दैट्स अप टू यू. आप इन चीजों को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली. ठीक है. चूज एनी इफेक्ट. ठीक है. शेल अपर इफेक्ट्स इतने ही आपके पास. कुछ की ऑप्शंस आपको मिलेंगी, कुछ की ऑप्शंस नहीं भी मिलेंगी. क्लियर. टाइप टूल इज क्लियर. रैप टेक्स्ट क्लियर हो गया. अंडरलाइन. ओके वन मोर थिंग. देर इज शॉर्टकट की फॉर टाइप टूल इज टी. एंड देर इज वन मोर थिंग. स्विच बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप टूल.
Now there is a vertical type tool. अभी तक हमने क्या किया? Horizontal. If I click on vertical type tool, what it will do? Type vertically. ठीक है? To switch between horizontal and vertical type tool, shift plus T. यानी T की T और जब press किया, आपका type tool select हो गया. आपको जो टाइप टूल सिलेक्ट हुआ वो नहीं चाहिए, ऑपोजिट दूसरा चाहिए, तो शिफ्ट प्लस टी. सपोज अभी मैंने देखो मूव टूल लिया, एम सिलेक्ट कर लिया, नाउ आई प्रेस द टी, टाइप टूल सिलेक्ट हो गया. कौन सा सिलेक्ट हुआ? वर्टिकल, क्योंकि लास्ट हमने वो यूज किया था. शिफ्ट प्लस टी करूंगी तो कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल. या आपके पास नेक्स्ट जो सिलेक्ट हुआ मास्क वाला सिलेक्टेड है, वो मास्क वाला सिलेक्ट हो गया. ठीक है, अब शिफ्ट प्लस टी से वापिस एक एक और करके वापिस हॉरिजॉन्टल पे आ सकते. पहले इतना कर ले आज के लिए, टॉपिक जहां बुक में जितना दिया भी उतना करो. आफ्टर दैट अगर रिवीजन डेज में टाइम बचेगा देन आई विल टेल यू. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स. ठीक है, देयर आर मेनी शेप्स अवेलेबल. जैसे आपके पास नॉर्मली हर पेंटिंग टूल में आपके पास होती हैं, पेंटिंग ग्राफिक्स और आपके जो होते हैं सॉफ्टवेयर में होती हैं. ठीक है, वन इज रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन, नॉर्मल है शेप्स. कहीं भी चाहिए पिक्चर में, इमेज में, ग्राफिक्स बनाते वक्त यू कैन हैव द शेप्स टू. जितनी बार शेप्स बनाओगे उतनी बार अलग लेयर में आएगी. एवरी शेप जो आप ड्रॉ कर रहे हो दैट इज इन सेपरेट लेयर, सो दैट यू कैन डील विद ईच लेयर. आप किसी को ऊपर नीचे ओवरलैप करके कुछ बनाना चाहते हो बना सकते हो. नाउ एवरी शेप इज हैविंग फिल कलर. ठीक है, देन देयर इज अ स्ट्रोक, देन देयर इज अ स्ट्रोक विड्थ. Few options are there. Then stroke color. Clear? ये तो simple है. In every graphic tool we had done this thing. कि हम shapes draw करते हैं, shapes की change कर सकते हैं. Then there is a custom shape. Custom shape tool. When click on the custom shape tool, you will get the various custom shapes available. ठीक है? लाइन टूल के साथ, पेंसिल टूल के साथ, ब्रश टूल के साथ यू कैन क्रिएट योर ओन. नाउ कस्टम शेप टूल में आपके पास वैसे ही कुछ शेप्स दी हुई है. यू कैन हैव एनी वन शेप, यू कैन चेंज इट्स कलर. नाउ इट इज इन सेपरेट लेयर. नाउ अब इसमें देखो पिंक ज्यादा क्या आ रहा है, दैट इज योर आउटलाइनिंग जो हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज करी हुई है. ठीक है, देन यू कैन हैव द लाइन स्टाइल. ओके, देन आपके पास जैसे सुबह पैटर्न्स ऐड किए थे, कल पैटर्न्स ऐड किए थे, मोर पैटर्न्स, सिमिलरली यू कैन हैव द मोर शेप्स. ये देखो ऑल एनिमल्स, एरोस, टेक्सचर्स, ग्रिम वेक्टर, फ्रेम्स, फिल्म, नेचर, ऑब्जेक्ट, ऑर्नामेंट्स, स्टॉक बबल्स, टाइल्स, वेब. मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स आर अवेलेबल. सपोज मैंने लिया फ्रेम्स, वॉन्ट टू ओके रिप्लेस करनी है एग्जिस्टिंग को या अपेंड करना है. अपेंड, नाउ यू विल सी नीचे देखो आपके पास फ्रेम्स एड हो गए. यू कैन हैव इट, यू कैन ड्रैग इट लाइक दिस, फ्रेम हो गया आपका. कलर चेंज, चेंज द कलर. यहां से आपका फिल कलर ऊपर आ रहा है, चेंज द फिल कलर, चेंज द लाइन कलर. ओके, देन आई वॉन्ट कि मुझे ये जो फ्रेम है ये बैक पे चला जाए, बाकी शेप्स इसके ऊपर आए, तो क्या करेंगे? इट इज इन सेपरेट लेयर ना, सेपरेट लेयर है तो क्या करेंगे? लेयर का ऑर्डर चेंज कर दो. जितना ऑर्डर चेंज करोगे उसके ऊपर आ गया. आप देखो एक फ्लावर के ऊपर आया. अगर सबसे पीछे भेजना है लास्ट में लेयर. ठीक है, लेयर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ओके, मैंने अभी यहाँ पे लिप्स वाली लेयर पे हूं. आई कैन टेक द मूव टूल एंड आई कैन मूव इट. ठीक है, मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया. मुझे ये पेंटागन इसके ऊपर चाहिए. अकुल क्या हो रहा है? यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ लेयर.
layers, each object, transparent layers, transparent sheets having objects on separate layer, and each object can be edited and formatted separately without affecting others. Clear? Layers का थोड़ा सा topic clear हुआ आपको? अभी और करेंगे. Shapes clear है? Underline करो. Underline करो books में. Type tool. It is used to type the add text. Shortcut key T. Then wrapping text. It is used to position the letters or the text in different shapes. Online class students, any doubt? Ashpreet, Diya, Taranya, any doubt? Tavish? Then shortcut key for wrapping text, switch between the horizontal and vertical, shift plus T. Page number 73, shift plus T. Quick view mein diya hua dekho. Press T to select the type tool. Shift plus T to switch between horizontal and vertical type tool. ठीक है, इस कैप्स लॉक की ये मैंने वैसे शुरू में बताई थी आपको. ये देखो, मैंने ब्रश टूल लिया या मैंने जो भी हम कलर रिप्लेसमेंट, जो भी क्लोन स्टैम्प ले रहे, कोई भी एनी टूल. ठीक है, आपका ब्रश टूल ले लो. नाउ आपको ये देखो साइज नजर आ रहा है ब्रश का? ब्रश का साइज नजर आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, नाउ इट इज विजिबल. ओके, सपोज मैंने यहाँ पे सपोज हीलिंग ब्रश टूल लिया, ये ब्रश का साइज नजर आ रहा है? कैप्स लॉक ऑफ कर दी तो ये हो गया, ओनली सिंबल. ऑन कर दिया, और कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो नजर आएगा, ऑन करेंगे तो नजर नहीं आएगा. अंडरलाइन कैप्स लॉक की इफ यू वांट टू सी द ब्रश साइज. Okay, next is viewing tools. Viewing tools क्या करते हैं? To view the object. ठीक है, to view the image. यहाँ पर आपके पास zoom tool दिया हुआ है. Click on the zoom tool. You can zoom in. ठीक है, you can zoom out. Clicking on the zoom out tool. Clicking on the zoom out tool. ठीक है, then there is your shortcut key control plus and control minus. Control plus and control minus. This is control plus, this is control minus. Clear? Yes, ma'am. Okay, then there is a hand tool. Hand tool ka kya use hai? Move the image while it is zoomed in. जब आपकी इमेज काफी ज्यादा जूम हो चुकी है, आपको कोई पार्ट मूव करना है, देखना है, तो आप इसको हैंड टूल यूज करोगे. ठीक है, हैंड टूल इज यूज टू मूव द इमेज व्हेन इट इज वेरी लार्ज. कर सकते हो, बट स्क्रॉल बार से ऐसे जैसे मुझे एक पार्ट यहाँ पे आना है, आप पहले हॉरिजॉन्टल जाओगे फिर वर्टिकल जाओगे, दोनों तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो आपका हैंड टूल से ज्यादा इजी नहीं हो रही यहाँ पे. ओके, ओके, नेक्स्ट इज एडिट मेन्यू, चेक स्पेलिंग. अगर आप टाइप टूल यूज कर रहे हो, इफ यू वांट टू चेक द स्पेलिंग ऑफ योर टेक्स्ट, यू कैन गो टू द एडिट मेन्यू एंड यूज द चेक स्पेलिंग ऑप्शन टू चेक द स्पेलिंग मिस्टेक्स. अगर टेक्स्ट ज्यादा है या किसी स्पेलिंग में डाउट है तो यू कैन यूज दैट. ओके, नेक्स्ट इज इमेज मेन्यू, एडजस्टमेंट ऑप्शन. इमेज मेन्यू एडजस्टमेंट ऑप्शन में आपके पास सिर्फ दो चीजें आपको दी हुई है, वन इज ह्यू सैचुरेशन एंड वन इज वेरिएशन. ओनली टू थिंग्स आर देयर. अदरवाइज इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीजें आपके पास, बट प्रेजेंटली यू आर यूजिंग ओनली टू थिंग्स, इमेज मेन्यू, एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन. नाउ ह्यू एंड सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स इज देयर टू चेंज द कलर एडजस्टमेंट. आपके पास यहाँ पे एडजस्टमेंट है, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो लाइक दिस. पीछे देखो चेंजेस आ रही है, ह्यू चेंज हो रहा है. All of you, or many of the students are doing separate things on your computers. Lavesh, look here. Arish, yeah, dekho. You can change the hue points. You can change the saturation levels. Okay.
Next is your lightness or darkness. कलर रिप्लेसमेंट तो सिर्फ एक सिलेक्टेड पार्ट में कलर रिप्लेस कर रहा है, ये आपका पूरा इमेज का कलर हो रहा है, और ये सिर्फ कलर नहीं चेंज हो रहा, कलर के आपके जो कलर एडजस्टमेंट, जैसे आप अपने टीवी के कलर सेट करते हो, ब्राइटनेस लेवल, ह्यू, सैचुरेशन लेवल्स एडजस्ट नहीं करते, आपके टीवी में भी आते हैं कुछ आपके साथ प्री डिफाइंड आपके पास हुए होते हैं, स्पोर्ट्स हॉल या होम, इस तरह से कुछ आपके पास थीम्स पहले से बने होते हैं, अगर आपको वो नहीं यूज करने तो आप डिफरेंट अपने आप लेवल्स पे जाके उसको चेंजेस कर सकते हो. सिमिलरली यू कैन चेंजेस दिस, क्लिक ऑन ओके, देन देयर इज इमेज मेन्यू, एडजस्टमेंट ऑप्शन, वेरिएशंस और ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, लेवल्स हैं, कर्व्स हैं, ऑल दीज आर द वेरियस एडजस्टमेंट फॉर द इमेज. दिस इज वेरिएशन. वेरिएशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर Like this, ठीक है. ये shadows, mid tones, highlights, saturation, four categories हैं. अभी mid tone selected है. Mid tone में नीचे देखो कुछ variations आ रहे हैं. More greens, more yellow, then more cyan. कौन सी option चाहिए? यहाँ पे already कुछ चीजें आप लोगों को बनी हुई हैं. This is the current pic. This is the original. ठीक है. अभी मैंने more green पे क्लिक किया तो ये सारे green shades आ रहे हैं. मोर येलो, पूरे पूरी ऑब्जेक्ट का, पूरी स्क्रीन का, पूरी इमेज का कलर है. ठीक है. मोर सियान, कौन सा कलर ज्यादा चाहिए? ये हो गया मिड टोन्स है. शेडोज, इस तरह से ऑप्शंस है. हाइलाइट्स, सैचुरेशंस, मिड टोन्स बेटर है. येलो, ग्रीन, सियान, मोर रेड, मैजेंटा एंड ब्लू. कौन सा कलर शेड ज्यादा चाहिए इमेज में? चूज एनी वन, लाइटर और डार्कर. ठीक है. देन क्लिक ऑन ओके, दैट विल बी अप्लाइड. दिस इज वेरिएशंस. क्लियर है? अंडरलाइन द कमांड्स. इमेज एडजस्टमेंट ऑप्शंस आर जस्ट लाइक यू आर सेटिंग द कलर सेटिंग्स ऑफ योर टेलीविजन. Photoshop allows you to set the color levels, contrast, brightness, and many more settings. Now, image hue saturation. This powerful tool is used to adjust the hue, that is the colors in an image. Saturation means intensity of the colors. Underline. Lavish, where is your book? Why? And also gives you the control over the lightness. Now, what is the command? Image menu, adjustment, hue, saturation. Underline the command, menu command. Image menu ke andar adjustment option, adjustment option ke andar hue, saturation. Shortcut key, control plus U. Dodge and burn tool kal karwa diya tha na? Underline kar lo uska meaning bhi. Dodge tool is used to lighten the areas. Burn tool is used to brighten the darken the areas. Page number 75, know the fit. Now, variations. Variations ki definition. Variation allow you to adjust the various color adjustments after comparing the changes with the original setting. Yahan pe humare paas jo color adjustments aa rahi hai, dialog box mein pehle se variations ki comparison diya hua hai, ki aapko compare karke dekh sakte ho ki kaun si option choose karni hai. Like, haan, abhi variation mein aapke paas aa rahi thi. नेक्स्ट इज मेन्यू ऑप्शन. क्या है? इमेज मेन्यू, एडजस्टमेंट, वेरिएशंस. ओके, वेरिएशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, देन यू कैन चूज द वेरिएशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, नाउ लेयर्स. व्हाट आर लेयर्स? अंडरलाइन द डेफिनेशन. लेयर्स आर ट्रांसपेरेंट शीट्स दैट कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. We can have the number of objects. It is always better to distribute the objects in different layers. We can draw and edit the objects on one layer without affecting the objects on another layer. अभी मैंने आपको करके दिखाया. Text tool लिया, shapes tool लिया, all were working in a separate layer. Okay. Now, how to add a new blank layer? There are three methods to add a new blank layer. Blank layer अपनी तरफ से insert करनी है. One is new layer button in layers panel at the bottom.
एक जो बता रही हूँ पहले वो तो नोट करो. न्यू लेयर बटन, क्रिएट अ न्यू लेयर बटन इन द लेयर्स पैनल. राइट इट. लवेश बुक नहीं है तो एटलीस्ट जो करवा रही हूँ उसको ध्यान दे लो बेटा. सेकेंड मेथड इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, दैट इज अ शॉर्टकट पी. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन नहीं दिया हुआ बेटा, पेज नंबर 77 पे देखो. एक ही बात है, कॉम्बिनेशन तो दोनों का चाहिए. यू कैन प्रेस एनी की, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन लिखो या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन लिखो, मतलब ये कि तीनों की इकट्ठी प्रेस होनी है हमारी. ठीक है. सेकेंड थर्ड मेथड इज लेयर मेन्यू, न्यू ऑप्शन लेयर. यहाँ देखो, अब जब आप कमांड लिखोगे आपको ये नहीं लिखना है लेयर मेन्यू न्यू लेयर ऑप्शन. लेयर मेन्यू न्यू फिर एरो फिर लेयर, बिकॉज इट्स अ न्यू ऑप्शन, अलग है. न्यू के बाद सब मेन्यू खुल रहा है, फिर लेयर ऑप्शन है. ठीक है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट जो आप लोग गलती करते हो वो यही होती है, लेयर मेन्यू एरो डालते हो न्यू लेयर लिख देते हो. इट्स नॉट न्यू लेयर, इट्स न्यू ऑप्शन. सब मेन्यू इज ओपन, लेयर ऑप्शन इज देयर. तो यू विल राइट लेयर एरो न्यू एरो लेयर. थ्री स्टेप्स में आएगी कमांड. ठीक है. तीन मेथड्स हो गए लेयर इंसर्ट करने के. आई एम इंसर्टिंग अ न्यू लेयर. नाउ इट इज आस्किंग नेम ऑफ द लेयर, क्लिक ऑन ओके. नाउ ये ब्लैंक लेयर एक एडजस्ट इंसर्ट हो गई है. ठीक है. ब्लैंक है, खाली है, ट्रांसपेरेंट शीट है, अभी कुछ भी इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा. मैं इसके ऊपर कोई शेप ड्रॉ कर सकती हूँ. अब आपको क्या लग रहा है ये कहाँ ड्रॉ हुई है? इस लेयर पे ना, टेक्स्ट वाली लेयर पे है. आप हाइड करके देख सकते हो, मैंने ये गुड वाली लेयर हाइड कर दी, आपकी लेयर हाइड कर दी मैंने टेम्परेली. तो आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो लेयर्स को बाय क्लिकिंग ऑन द आई आइकन, दिस आइकन. ठीक है. चीज नहीं पसंद आई, ऑब्जेक्ट नहीं पसंद आया, डिलीट द लेयर. ठीक है. ऑब्जेक्ट को यहां से डिलीट नहीं करना है, सीधा लेयर डिलीट कर दो. लेयर डिलीट करने का मेथड, राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड चूज डिलीट लेयर ऑप्शन. डिलीट लेयर, यस. ठीक है. ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया. आपको ये गुड नहीं चाहिए यहाँ पे, क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट द लेयर, राइट क्लिक ऑन इट एंड डिलीट. नहीं, ये गुड वाला डिलीट किया. ठीक है. हाउ टू डिलीट अ लेयर, अंडरलाइन, राइट क्लिक ऑन द लेयर एंड चूज डिलीट लेयर ऑप्शन. हाउ टू रीनेम अ लेयर, डबल क्लिक ऑन द लेयर. जैसे हैव अ नाइस डे नेम आ रहा है या बैकग्राउंड नेम आ रहा है, मैं डबल क्लिक ऑन द लेयर एंड यू कैन गिव अ न्यू नेम. ठीक है. मैंने नेम दे दिया टेक्स्ट वन. This is the new name of the layer. You can give the names according to your shapes. Suppose मैंने यहाँ पे आपके पास different shapes हमने draw करी थी. Yes. यहाँ पे polygon ellipse shapes आ रही है. You can double click on it. Give a name. Border. Underline. हो गया, rename हो गया, delete हो गया. Now only layer effects. Topic is left. ठीक है. And exercise that we will do in next class. Any doubt? No, ma'am.